ओके दोस्तों, हम लोग गेम के अंदर आ चुके हैं और आप लोग को मालूम होगा हमारे गेम के अंदर पहले एक इवेंट आया था जिसमें हमको डायमंड स्लेयर के बंडल्स मिल रहे थे और उस टाइम मेरे पास बिल्कुल भी डायमंड नहीं थे, इसलिए मैं तो एक भी बंडल नहीं निकाल पाया था। लेकिन अभी आप लोग को मालूम होगा गेम के अंदर वापस से डायमंड स्लेयर के बंडल आ चुके हैं और लिटरली इन बंडल्स को लेने का अब ये लास्ट चांस है। हो सकता है फ्री फायर के अंदर ये बंडल हमें वापस से कभी भी देखने को ना मिले। और लिटरली डायमंड स्लेयर मेरे फेवरेट एनिमे में से एक एनिमे है। बात करें एनिमे की तो एनिमे में मेरे को सारे कैरेक्टर एक से एक बढ़िया लगते हैं, लेकिन गेम के अंदर मेरे को इनोस्के के अलावा सारे के सारे बंडल बिल्कुल बेकार लगे। खैर है तो सारी मस्त, लेकिन इनोस्के बहुत ही बढ़िया है। और जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल देखा है तो आज हम लोग इनोस्के को ही निकालने की कोशिश करने वाले हैं। मेरे को लिटरली बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि इस इवेंट के अंदर हमारे कितने डायमंड जाने वाले हैं, लेकिन मेरे अकाउंट के अंदर अभी के टाइम पे 494 डायमंड है और मेरे को अच्छे से मालूम है इतने कम डायमंड के अंदर तो ये बंडल नहीं मिलने वाला। चलो बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग अपना कैरेक्टर बदल लेते हैं। ओके, कैरेक्टर को बदलने के बाद फटाफट से हम लोग इसे नुबड़े कपड़े पहना देते हैं, क्या पता ये बंडल हमें कम डायमंड्स के अंदर ही मिल जाए। अब हमारा कैरेक्टर बिल्कुल रेडी हो चुका है, रेडी हो चुके हैं स्पिन मारने के लिए। अब फटाफट से लक रोल वाले सेक्शन में चलते हैं और देखते हैं कितने डायमंड हमारे खर्च होने वाले हैं। ओके, सबसे पहले हम लोग 20 से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर 20 डायमंड मैं लगाने वाला हूँ और देखते हैं हम लोग को क्या मिलता है। यहाँ पर फटाफट से हम लोग स्पिन करते हैं एंड मेरे को उम्मीद नहीं है कुछ अच्छा तो मिलेगा यहाँ पर। हाँ भाई, यहाँ पर एक ही टोकन हम लोग को पहले स्पिन में मिला है। चलो एक और स्पिन मार के देखते हैं एंड अब देखते हैं क्या मिलता है। पहले वाले में तो बहुत ही बेकार चीज मिली है, एटलीस्ट भाई थोड़ा ज्यादा टोकन मिल जाए, लेकिन नहीं भाई इसके अंदर भी हम लोग को एक ही टोकन मिला है। अभी लगता है गेम में नसीब बहुत ज्यादा बुरा चल रहा है। इसको सही करने के लिए फटाफट से गोल्ड रोल के अंदर एक 10 का स्पिन मार देते हैं। ओके, यहाँ पर हमने 10 का स्पिन मार दिया। अब स्पिन मार के देखते हैं कैसा निकलता है। यहाँ पर मैं 200 वाला स्पिन मारने वाला हूँ। पहले एक टोकन मिला है एंड यहाँ पे 5 टोकन भी मिल चुके हैं। ओके, 2 टोकन, यहाँ पर 1 टोकन और इसके साथ फिर से 5 टोकन। ओके, 1 टोकन वापस से मिल गया, फिर से 5 टोकन मिले एंड यहाँ पे 2 टोकन मिला है शायद से। ओके, एंड यहाँ पर हम लोग को टोटल मिल चुके हैं भाई, ये बहुत ही अच्छा स्पिन गया। यहाँ पर हम लोग को टोटल 30 टोकन मिल चुके हैं, यानी कि हमारी गोल्ड रोल वाली ट्रिक काम आई है। तो हम लोग फिर से गोल्ड रोल के अंदर स्पिन मारते हैं। ओके, अब फटाफट से एक और 200 का स्पिन मार के देखते हैं इस वाले इवेंट के अंदर एंड देखते हैं आप कितने टोकन और मिलते हैं। यहाँ पर हमको 5 का टोकन तो मिल चुका है एंड यहाँ पे 1 टोकन मिला है और इसी के साथ फिर से एक और टोकन, फिर यहाँ पर 2 टोकन मिले हैं। ओके, रोको दाकी सेंसेई का भी यहाँ पर हमको मास्क मिल चुका है एंड यहाँ पे थोड़े बहुत टोकन और मिले। आप देखते हैं इस वाले के अंदर हम लोग को कितने टोकन मिल चुके हैं। तो यहाँ पर हम लोग को भाई मास्क मिला था, इसलिए भाई यहाँ पर हमको केवल 17 टोकन मिले, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि अभी के टाइम पे अगर मास्क हमको फिर से वापस मिलता है तो हम लोग को इसकी जगह 5 टोकन और मिल जाएंगे। खैर, यहाँ पे हमारे पूरे डायमंड तो खत्म हो ही लिए, लेकिन हम लोग एक स्पिन और मार के देख लेते हैं, देखते हैं हमको क्या मिलता है एक स्पिन के अंदर। कुछ भी मिल जाए इसमें से, बस एक टोकन के अलावा कुछ भी मिल जाए मैं खुश हूँ। अबे यार, केवल 2 टोकन दे दे, चलो कोई नहीं, 1 टोकन से तो बढ़िया है। अब मैंने यहाँ पर आदम कैरेक्टर ले लिया और वैसे हमारे डायमंड सारे खत्म हो चुके, तो फटाफट से हम लोग एक मंथली मेंबरशिप ले लेते हैं जहाँ पर हम लोग को 800 रुपए के अंदर 1000 डायमंड जाएंगे। ओके, मंथली मेंबरशिप क्लेम हो चुकी है, यहाँ पर हम लोग को 1000 डायमंड भी मिल चुके हैं और यहाँ पर 50 डायमंड और मिल रहे हैं। कोई फटाफट से क्लेम करते हैं और चलते हैं फटाफट से स्पिन करने के लिए। अब मैं वापस से स्पिन करने के लिए आ चुका हूँ लक रोल के अंदर। यहाँ पे हम लोग फटाफट से 200 का एक स्पिन मारकर देखते हैं और देखते हैं कितने टोकन और मिलते हैं। पहले स्पिन के अंदर ही 1 टोकन मिला एंड दूसरे स्पिन के अंदर भी 1 ही टोकन मिला। यहाँ पर तीसरे स्पिन में भी 1 टोकन मिला। यहाँ पर हम लोग को वापस से मास्क मिल चुका है, फिर से 1 टोकन, यहाँ पर 3 टोकन एंड 1 टोकन, अब यहाँ पर 3 टोकन और वापस से 2 टोकन, आखिरी में फिर से हम लोग को 3 टोकन मिल चुका है। टोटल हम लोग को यहाँ पर 22 टोकन मिले थे। खैर, फिर से हम लोग 200 का स्पिन मारते हैं और देखते हैं कितने टोकन मिल पाते हैं। ओके, स्पिन तो करा है, यहाँ पर हमको पहले स्पिन में 2 टोकन मिले एंड दूसरे स्पिन में 10 टोकन मिल चुके हैं। यहाँ पर 1 टोकन मिला एंड 2 टोकन, फिर से 1 टोकन, यहाँ पे फिर से 2 टोकन, फिर से 1 टोकन एंड फिर से 2 टोकन। यहाँ पर क्या चल रहा है? ओके, फिर से 2 टोकन एंड यहाँ पे फिर से 1 टोकन। यहाँ पे बहुत ही कम टोकन मिले बट, लेकिन हाँ, यहाँ पर हमको 25 टोकन मिल चुके हैं। मुझे तो लग रहा है खाली ये बंडल वगैरह खाली ऐसी छाप रखे हैं, निकल तो रहे नहीं है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर हम लोग एक और स्पिन मारते हैं। यहाँ पर हमको 1 टोकन मिल चुका है, 2 टोकन मिल चुके हैं, 1 और टोकन एंड फिर से 1 और टोकन, फिर से 1 और टोकन, फिर से 1 और टोकन। भाई एक एक दे जा रहे हैं एंड यहाँ पे 2 टोकन, फिर से 1 टोकन एंड फिर 3 टोकन, फिर से 1 और टोकन एंड 1 टोकन। यहाँ पर बहुत ही कम टोकन मिले होंगे और लिटरली यहाँ पर हमारे डायमंड भी खत्म होने वाले हैं। फटाफट से हम लोग एक और स्पिन मारते हैं और देखते हैं यहाँ पर कितने टोकन मिलते हैं। हमको पहले तो मास्क मिल चुका है, यहाँ पर 1 टोकन मिला है एंड इसके बाद फिर से 1 और टोकन मिला है। अब यहाँ पे 3 टोकन मिले एंड फिर से 1 और टोकन एंड यहाँ पे फिर हमको 2 टोकन मिल चुके हैं। ओके, यहाँ पर 1 टोकन मिला। यार एक एक ही दिए जा रहे हैं, अब तो पता नहीं क्या हो चुका है। ओके, यहाँ पे हम लोग को 19 टोकन तो मिल चुके हैं। वैसे यहाँ पर हमारे टोटल 132 टोकन हो चुके हैं और बंडल के लिए हम लोग को 225 टोकन चाहिए होंगे। मेरे को पता है यहाँ से तो बंडल मिलने वाला नहीं है। यहाँ पर हमारा ये लास्ट स्पिन होने वाला है 200 का, फटाफट से इस स्पिन को भी करते हैं। ओके, देखते हैं कितने टोकन और मिलने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग को 1 टोकन मिल चुका है, 3 टोकन मिल चुके हैं। काश यार यहाँ पे तांजिरो का बंडल मिल जाए तो मजे ही आ जाएंगे, लेकिन इन रेयर आइटम में से तो अभी तक मेरे को एक भी चीज नहीं मिली है। ना तो यार ये एनिमेशन मिला अभी तक, ना ही कोई बंडल मिला और ना ये बैकपैक भी मिला। खैर, ये वाला स्पिन बहुत ही बढ़िया था। इस वाले स्पिन के अंदर हम लोग को
35 टोकन मिल चुके हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। अगर हमारे सारे स्पिन अभी तक इतने बढ़िया जा रहे होते तो हमें ये बंडल मिल चुका होता। वैसे अब हमारे सारे डायमंड खत्म हो चुके हैं, हम लोग फटाफट से एक वीकली मेंबरशिप और ले लेते हैं, जहाँ पर 159 के अंदर हम लोग को 200 डायमंड तो मिल ही जाएंगे। ओके, यहाँ पर हम लोगों ने वीकली मेंबरशिप तो ले लिया और यहाँ पर हम लोग को 200 डायमंड भी मिल चुके हैं। उसी के साथ यहाँ पे हमको थोड़े बहुत डायमंड और मिल रहे हैं, जो कि है 35 डायमंड। चलो इन्हें भी क्लेम करते हैं, फटाफट से चलते हैं स्पिन करने के लिए। यहाँ पर हमारे पास 419 डायमंड हो चुके हैं। अब तो मेरे को पूरी उम्मीद है कि इतने डायमंड के अंदर हम लोग इनोस के तो ले ही पाएंगे। ओके, वापस से हम लोग लकरोइल के अंदर आ चुके हैं, वापस से हम लोग यहाँ पर डायमंड स्पिन करने वाले हैं। लेकिन स्पिन करने से पहले आप लोग देख सकते हो हमारे पास 167 टोकन हो चुके हैं और अभी हम लोग को केवल 58 टोकन और चाहिए। चलो फटाफट से हम लोग एक और स्पिन मार देते हैं और देखते हैं इस वाले स्पिन के अंदर हम लोग को कितने टोकन मिलने वाले हैं। ओके, यहाँ पर हम लोग को पहले स्पिन के अंदर मिला है मास्क एंड दूसरे स्पिन के अंदर हम लोग को 3 टोकन मिल चुके हैं, फिर 3 टोकन, यहाँ पर फिर 1 टोकन, उसके बाद यहाँ पर 2 टोकन एंड फिर 1 टोकन, उसके बाद एक और टोकन, 1 टोकन एंड यहाँ पर 10 का भी टोकन मिल चुका है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। एंड अभी हमारे 198 टोकन हो चुके हैं, यानी कि हम लोग बहुत ही ज्यादा क्लोज आ चुके हैं। बस जैसा ये वाला स्पिन गया था, आखिरी वाला स्पिन भी ऐसा ही चले जाए तो बिल्कुल मजे आ जाएंगे। अब बस मैं आखिरी का स्पिन मारने वाला हूँ और देखते हैं हमें कितने टोकन मिलने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं अपना एक स्पेशल मंत्र पढ़ लेता हूँ। अब तो पक्का इस स्पिन के अंदर कुछ रेयर चीज निकलने वाली है। ओके, यहाँ पर हमारा पहला स्पिन और पहले स्पिन के अंदर ही मेरे को एनिमेशन मिल चुका है एंड इसी के साथ आप हमको टोकन भी मिल रहे हैं। ओके, देखते हैं, यहाँ पर 1 टोकन मिला, अब यहाँ पर 2 टोकन मिले हैं, इसके बाद फिर से 2 टोकन। बस यार कितने भी टोकन मिले लेकिन 225 टोकन हो जाने चाहिए, वरना मेरे को वापस से और डायमंड लेने पड़ेंगे। लेकिन नहीं यार, यहाँ पर मेरे को केवल 19 टोकन मिले हैं, यहाँ पर हम लोग केवल 8 ही टोकन से कम रह गए हैं। अब मेरे से बिल्कुल भी इंतजार नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने फटाफट से एक और वीकली मेंबरशिप ले ली थी, जहाँ पर मेरे को 200 डायमंड और मिल चुके हैं। और अब फटाफट से इवेंट के अंदर चलते हैं, हम लोग को केवल 8 ही टोकन चाहिए, तो हम लोग फटाफट से उन्हें निकालने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कितने डायमंड और लगने वाले हैं। वैसे हम लोग को केवल 8 ही टोकन चाहिए, इसलिए मैं एक एक का स्पिन मारूंगा ताकि मेरा नुकसान ना हो जाए। यहाँ पर मैंने 20 का स्पिन मारा। ओके, बस देखते हैं इसके अंदर हम लोग को कितने टोकन और मिलने वाले हैं। ओ भाई, हमको यहाँ पर 10 टोकन मिल चुके हैं, यानी कि यहाँ पर हमारे बहुत सारे डायमंड बच चुके हैं। और जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो हमारे फाइनली टोकन पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, 227 हमारे पास टोकन हो चुके हैं। अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट से हम लोग इनोस्के के बंडल को रिडीम कर लेते हैं। ओके ओके, हम लोग से फाइनली रिडीम करने वाले हैं, यहाँ पे मैंने रिडीम भी कर दिया, कांग्रेचुलेशन, फाइनली हम लोग को हमारा बंडल मिल चुका है, वो भी इनोस्के वाला। वैसे अगर आप लोग के पास 225 टोकन होते तो आप लोग कौन सा बंडल क्लेम करते, प्लीज कमेंट सेशन के अंदर जरूर से बता देना। और अगर आप लोगों ने वीडियो को ध्यान से देखा तो मेरे को कमेंट सेशन के अंदर ये भी बता देना कि मेरे को इस बंडल को निकालने के लिए कितने डायमंड लगे। अब देखते हैं कमेंट सेशन के अंदर कौन कौन सही आंसर दे पाता है। खैर, यहाँ पे हम लोग को बंडल मिल चुका है, फटाफट से इस बंडल को ओपन करते हैं और इसको पहन कर देखते हैं कि हम लोग को ये बंडल देखने में कैसा लगता है। ओके, बंडल तो बहुत ही ज्यादा जोरदार लग रहा है एंड इसी के साथ यहाँ पे मेरे को एक एनिमेशन भी मिला था, फटाफट से उस एनिमेशन को भी हम लोग एक्यूब कर लेते हैं। हम लोग इमोट वाले सेक्शन के अंदर तो आ चुके हैं, फटाफट से एनिमेशन वाले सेक्शन में चलते हैं। यहाँ पर ये वाला एनिमेशन को हम लोग इक्यूब करते हैं एंड फटाफट से बैक करते हैं और ग्रुप में चल के देखते हैं कि हमें एनिमेशन कैसा देखने को मिल रहा है। ओके, मैं ग्रुप के अंदर तो आ चुका हूँ और आप लोग देख सकते हो कि एनिमेशन तो बहुत ही बढ़िया है। अब इसी बंडल को पहन के फटाफट से हम लोग रैंक मैच के अंदर चलते हैं और बिल्कुल नए नए इनोस्के के बंडल के साथ इनोस्के की तरह ही क्रेजी गेम प्ले करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले अभी तक जिन भी लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो प्लीज यार वीडियो को लाइक तो जरूर से कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करना तो भूलना ही मत, क्योंकि इस चैनल पे आप लोग को फ्री फायर से रिलेटेड ऐसी मजेदार वीडियो देखने को मिलने वाली है। वैसे तो मैं हमेशा ही सोलो रैंक बुस्ट करता हूं, तो फटाफट से हम लोग सोलो रैंक मैच के अंदर चलते हैं। ओके दोस्तों, हम लोग गेम के अंदर तो आ चुके हैं और मैं अपने रिसप्लाई की तरफ जाने वाला हूं। हम लोग रिसप्लाई के बहुत ज्यादा नजदीक आ चुके हैं, हमारे आसपास कुछ एनिमीज भी उतर रहे थे। अब ना जाने पता नहीं एनिमी तो कहां जा चुके हैं, लेकिन भाई मेरे को रिसप्लाई के अंदर से कास एक्समेट मिल जाए तो मजे ही आ जाए। अब नहीं यार, यहाँ पर हम लोग को एके मिल चुकी है, एके मेरे को बिल्कुल भी चलानी नहीं आती। हम लोग फटाफट से टावर को लूटते हैं, जहाँ पे मेरे को कुछ भी नहीं मिल रहा। मैं टावर को लूट के ऊपर की साइड आ गया था, जहाँ पे वॉर चेस्ट के पास में एक चार्ज बस्टर पड़ी होती है और मेरा नसीब इतना बढ़िया होता है कि मेरे को वॉर चेस्ट के अंदर से एक्समेट मिल जाती है। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ाई था कि यहाँ पे मेरे को एक एनिमी दिख चुका है एंड इसकी थोड़े शॉर्ट रेंज में जाने की कोशिश करते हैं और एक्समेट से मारने की कोशिश करते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने इसको तो बहुत ही इजिली हेडशॉट से फिनिश कर दिया। अभी मैं सकती स्ट्रिप से मैं बहुत ही अच्छी तरीके से लूट कर लेता हूँ। जैसे मैं ऊपर की साइड जा रहा हूँ तो यहाँ पर मेरे को एक एनिमी दिख जाता है, जिसको मैं बहुत सारा डैमेज देता हूँ, हेडशॉट भी मारता हूँ, लेकिन वो एनिमी ग्लोवर लगा लेता है तो मैं आयरिस का यूज करके उसको हेडशॉट से फिनिश करने की कोशिश कर रहा होता हूँ, लेकिन वो एनिमी बहुत ज्यादा मूवमेंट कर रहा होता है, इतने एक एनिमी मेरे पर थर्ड पार्टी करना शुरू कर देता है, तो मैं थोड़ा पीछे की साइड जाके ग्लोवर लगा के यहाँ पर हील करना शुरू कर देता हूँ। अब जैसे मैं यहाँ पर हील कर लेता हूँ, मेरे सामने वाला एनिमी मेरे पर स्काइलर का यूज कर देता है एंड बहुत सारा डैमेज देने की कोशिश करता है, लेकिन मैं उस एनिमी को हेडशॉट से फिनिश कर देता हूँ और फटाफट से घर के अंदर आके हील करना शुरू कर देता हूँ। लेकिन जैसे मैं हील कर रहा था, मेरे सामने कुछ एनिमीज फाइट कर रहे होते हैं, इसी चीज का फायदा उठाने के लिए मैं फटाफट से एल्सेफ के ऊपर आ जाता हूँ। यहाँ पर मेरे सामने एक एनिमी होता है जो कि गाड़ी
एनिमी फोड़ने की कोशिश कर रहा होता है, तो पहले तो मैं उस एनिमी को थोड़ा बहुत डैमेज देता हूँ, लेकिन यहाँ पे वो एनिमी बहुत ज्यादा मूवमेंट कर रहा था, लेकिन मैं उस एनिमी को बहुत ही इजिली हेडशॉट से फिनिश कर देता हूँ। यहाँ पे मेरे सामने एक और एनिमी था जो कि मोशे ट्रक के अंदर बैठा हुआ था। मैं इस एनिमी को मोशे ट्रक के अंदर डैमेज देने की कोशिश तो करता हूँ, लेकिन ये मोशे ट्रक को लेकर यहाँ से भाग जाता है। अभी तक मैंने जितने भी किल करे थे सारे के सारे एनिमी हेडशॉट से फिनिश करे थे, लेकिन इतने एक एनिमी आता था जो कि मेरे को पीछे से बहुत सारा डैमेज दे देता है, और अब ये एनिमी एलसेप के अंदर चले जाता है। मैं एफजीएल का यूज करके उस एनिमी को थोड़ा बहुत डैमेज देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये एनिमी मेरे सामने आने का नाम ही नहीं ले रहा था, इसलिए इस एनिमी को किल करने के लिए फटाफट से थोड़ा बाहर की साइड आ जाता हूँ और इस एनिमी को थोड़ा डैमेज देने की कोशिश करता हूँ। इस एनिमी को बहुत सारा डैमेज दे भी देता हूँ, लेकिन वो भी मेरे को बहुत सारा डैमेज दे देता है। लेकिन यहाँ पर इस एनिमी की ये गलती थी, इस एनिमी ने मेरे सामने ग्लूवर लगाई हुई थी और मेरे पास रहती है एफजीएल। मैं एफजीएल से बहुत ही इजीली इस एनिमी को फिनिश कर देता हूँ। अब इस एनिमी को किल करने के बाद ना मैं आखिरी वाले जोन के अंदर आ गया था और यहाँ पर सारे के सारे एनिमीज गाड़ी चला रहे थे, इसलिए मैं फटाफट से बाइक को लेने के लिए गाड़ी से उतरता हूँ। यहाँ पे ऑलरेडी एक एनिमी रहता जो कि मेरे को बहुत सारा डैमेज दे देता है, तो मैं फटाफट से यहाँ पे हील करना शुरू करता हूँ एंड ये मेरे पे रस कर रहा था, तो मैं फटाफट से बाइक के अंदर बैठ गया था। ये एनिमी ना जाने मेरी जान के पीछे पड़ गया था, पहले तो मेरे आगे से आ जाता है, मैं इसको गाड़ी से उड़ाता हूँ, फिर इसको थोड़ा बहुत डैमेज देकर जैसे जैसे करके इसको मैं फिनिश कर देता हूँ। लिटरली इसने ना मेरी यहाँ पर इतनी कम हेल्थ कर दी थी, मैं जोन से भी एलिमिनेट हो सकता था, लेकिन मैं हील करता हूँ फटाफट से बाइक को लेकर जोन के अंदर आ जाता हूँ। अब जैसे ही मैं जोन के अंदर आया था मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कि यहाँ पर अर्सनल में हो क्या रहा है। कुछ एनिमीज पागलों की तरह भागे जा रहे थे, कुछ एनिमीज गाड़ी वगैरह चला रहे थे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी मैं तुक्के से फायर कर देता हूँ जहाँ पे मेरे को एक फ्री का किल मिल जाता है। और इतने देखते देखते हमारा जोन भी आ चुका था, तो मैं फटाफट से बाइक के अंदर वापस से बैठता हूँ और बाइक को लेके जोन के अंदर आ जाता हूँ। अब जैसे ही मैं जोन के अंदर आया था कि यहाँ पर मेरे सामने कुछ एनिमीज फाइट कर रहे होते हैं, तभी मेरे को एक एनिमी दिख जाता है जिसको मैं थोड़ा बहुत ही डैमेज देता हूँ, लेकिन उस एनिमी का सोन एक्टिवेट हो जाता है, वो ग्लोअर लगाता है, लेकिन वो डाउन हो जाता है। पहले तो मैंने सोचा था कि मेरे को यहाँ पे लॉन्चर पैड का यूज करके उस एनिमी के ऊपर रस कर देना चाहिए, लेकिन मेरे को समझ आ गया यहाँ पर अगर मैं उसके पास जाऊंगा तो जोन के बाहर हो जाऊंगा और यहाँ पे मेरे मरने के चांस हो सकते हैं, इसीलिए मैं उस एनिमी के ऊपर तो रस नहीं करता हूँ, लेकिन जोन का छोटा होने का वेट करता रहता हूँ। अब जैसे जोन सीलिंग होना शुरू होता है मेरे सामने एक एनिमी आ जाता है जिसको मैं थोड़ा बहुत डैमेज देता हूँ, हेडशॉट भी लगता है। फटाफट से मैं आयरिस का यूज करता हूँ, एनिमी को लगता है वो बच गया, लेकिन उस एनिमी को बहुत ही इजीली हेडशॉट से फिनिश कर देता हूँ। अब हमारे अलावा केवल आखिरी के तीन ही एनिमी बचे हुए थे और मैं फटाफट से भागता हो जाता हूँ एंड वापस से बाइक के अंदर बैठ जाता हूँ। अब हमारे अलावा केवल आखिरी के दो ही एनिमी बचे हुए थे और मैं बाइक को लेकर ऐसी एनिमीज के बीच में घूम रहा होता हूँ, तभी मैं बाइक से उतर जाता हूँ। यहाँ पर एक एनिमी होता है जिसको मैंने ध्यान नहीं दिया था एंड उस एनिमी को थोड़ा बहुत डैमेज देने की कोशिश करता हूँ। फटाफट से वापस से बाइक के अंदर बैठ जाता हूँ, यहाँ पे बाइक को लेकर भागने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मेरी बाइक की भी हेल्थ बहुत कम हो चुकी थी, इसलिए मैं फटाफट से बाइक को घुमा के लेके आता हूँ और एक एनिमी ठोकने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो एनिमी मेरे से बच जाता है। लेकिन बाइसन की मदद से मैं उस एनिमी को बहुत ही इजीली बॉडी शॉट से फिनिश कर देता हूँ। अब आखिरी का ही एनिमी बचा हुआ था हमारे सामने और यहाँ पे जोन भी सिंक होना शुरू हो गया था और वो एनिमी मेरे पर बहुत सारे नेट वगैरह फेंकना शुरू कर देता है। मैं यहाँ पे पहले तो सुपर मेडिकेट भरता हूँ और फटाफट से जोन के अंदर आके ग्लूवर लगा लेता हूँ, लेकिन वो एनिमी इतने में मेरे पर एफजीएल का यूज कर लेता है। यहाँ पे मेरी वेस्ट भी फटी हुई थी, इसलिए मैं बिना कुछ सोचे एनिमी के सामने चले जाता हूँ, उस एनिमी को एक्सीमेट से डैमेज देने की कोशिश करता हूँ एंड हेडशॉट से बहुत ही इजीली फिनिश कर देता हूँ। एंड यहाँ पर फाइनली हमारा इनोस्के के साथ पहला गेम बुया हो जाता है और लिटरली इस मैच के अंदर हमारे 9 किल रहते हैं और यहाँ पर हम लोग को एक्समेट की भी पूरी ग्लोरी मिल जाती है। खैर दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक तो जरूर से कर ही देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करना मत भूलना।